नमस्ते बच्चों बच्चों पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम टर्टल आर्ट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने देखा कि टर्टल आर्ट की स्क्रीन से हम बेसिक इंट्रोडक्शन कैसे जान पाए। हमने न्यू, ओपन, सेव और ये सभी टूल्स के बारे में जाना, ये कैटेगरीज वाइज ब्लॉक के बारे में हमने जाना। अब आज के वीडियो में हम आपकी बुक के हिसाब से हम एक एक चीज को जानेंगे और छोटे छोटे प्रोग्राम की मदद से हम टर्टल आर्ट सीखेंगे। तो बच्चों देखो, ये आपकी बुक है, आईसीटी की बुक है। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। इसका चैप्टर वन है आपका प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग टू। प्रोग्रामिंग वन हमने एमएसडब्ल्यू लोगों के द्वारा सीखी थी और प्रोग्रामिंग टू हम सीखेंगे टर्टल आर्ट के द्वारा। बच्चों टर्टल आर्ट में हम क्या क्या सीखेंगे? अर्थमेटिक कैलकुलेशन, वेरिएबल बनाना, लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, एक्शन के आधार पर पैटर्न बनाना और पजल्स यानी पहेली को सुलझाना और पैटर्न डिजाइन करना, ये सभी हम सीखेंगे टर्टल आर्ट का उपयोग करते हुए। तो हमने लोगों टर्टल आर्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया है। अब हम छोटे छोटे प्रोग्राम की सहायता से टर्टल आर्ट को सीखेंगे। तो आपकी बुक के हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है कि टर्टल आर्ट कैसे स्टार्ट करते हैं, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार देख लें और ये स्टेप भी फॉलो कर लें, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इजी है। गेटिंग फैमिलियर विद टर्टल आर्ट, ये इसका फैमिलियर इंट्रोडक्शन है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम इसके मेन्यूज को बारे में बात करेंगे, तो मेन्यूज के बारे में भी मैंने बता दिया है कि कौन सा मेन्यू क्या काम करता है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। न्यू, इस ऑप्शन की मदद से आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। ओपन, पहले से बने हुए प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग होता है। सेव, इस ऑप्शन को क्लिक करने पर दो सब ऑप्शन ओपन होते हैं, सेव और सेव एज। सेव एज क्लिक करने पर आप अपना प्रोजेक्ट दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे हमने एक प्रोजेक्ट सेव कर लिया है, उसी को दूसरे नाम से और सेव करना है तो उसको सेव एज करेंगे। फिर सेव इमेज से क्या होगा कि आपने जो बनाया है, मान लो जो भी बनाया है इसको, इसकी आपको फोटो आपको लेनी है तो उसको सेव इमेज कर देंगे, तो वो उसका स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। तो ये हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं और इसके बारे में आप डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ ब्लॉक, कैटेगरी में टर्टल, पेन नंबर, फ्लो, माई ब्लॉक, ये सभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके। फिर ब्लॉक, ये ब्लॉक में यहाँ चुनी हुई कैटेगरी के ब्लॉक डिस्प्ले होते हैं। मान लो हमने टर्टल कैटेगरी चुनी है तो इसके ब्लॉक आ जाएंगे, पेंट कैटेगरी चुनी है तो इसके ब्लॉक आ जाएंगे, नंबर चुने हैं तो इसके ब्लॉक आ जाएंगे। उसके बाद है रन। रन से क्या होगा कि रन के आप इससे इसको रन करना है जो आपने बनाया है, तो आप इसको लेकर के यहाँ क्लिक कर देंगे तो भी ये रन हो जाएगा, देखा। और यदि आप ऐसे रन नहीं करना चाहते तो आप जस्ट काम कर रहे हैं तो जस्ट शिफ्ट बटन दबाइए, शिफ्ट दबाने से ये ऑटोमेटिक स्टिक आ जाएगी, दबा के रखिए और क्लिक कर दीजिए इस पे, सिंपल माउस से एक बार क्लिक कर दीजिए, ये रन हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? इसके बाद हम देखेंगे कट, कुछ हमें डिलीट करना है ऑप्शन से, इस ऑप्शन से आप ब्लॉक डिलीट कर सकते हैं, कुछ हमें डिलीट करना है तो हम इससे कट से
ये कट कर दिया, डिलीट हो गया। इसके बाद आपको कुछ कॉपी करना है, तो कॉपी के बारे में मैंने बताया था आपको, ये टूल है इससे आप ये कॉपी किया, एक और कॉपी हो गई, इसकी दो कॉपी हो गई। अब है हेल्प बटन। हेल्प बटन से आप जान सकते हैं कि ये ऑप्शन क्या काम करेगा। जैसे सपोज आपने किसी के बारे में या जानना है, तो जैसे हेल्प पे पहले इस पे क्लिक कर दिया, हेल्प बटन है, अब इसको ले जाकर के इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दिया, तो ये बटन क्या काम करता है वो आपको समझा देगा। ये देखिए, क्लीन, क्लीन इरेज द स्क्रीन एंड मूव द टर्टल टू द सेंटर। ये बटन स्क्रीन को क्लीन करता है और टर्टल को सेंटर में ले जाता है। देखिए इस पे, अब हम इसको अगर यूज करते हैं डबल क्लिक, तो वही काम ये करेगा। ठीक है, स्क्रीन को क्लियर कर दिया और टर्टल को सेंटर में ले गया। तो इस तरह से हेल्प बटन की सहायता से हम जान सकते हैं कि जैसे माय ब्लॉक, ये माय ब्लॉक क्या काम करेगा, जैसे ये वाला क्या काम आएगा, तो इसका डिटेल में यहाँ पे आपको दिखा देगा। इनका यूज करेंगे बच्चों हम, अब एक एक करके हम प्रोग्राम बनाएंगे ये भी आपको समझाने के लिए। अंडू और रीडू, अंडू रीडू यहाँ पे है। अगर आपने कुछ जो लास्ट एक्शन किया उसको वापस बैक करना है, तो ये अंडू हो जाएगा। अगर जो बैक कर दिया उसको वापस लाना है, तो रीडू हो जाएगा। सपोज आपने इसको डिलीट कर दिया और आपको याद आया कि नहीं, मुझे डिलीट नहीं करना था, तो मैं अंडू कर दूंगा, तो वापस आ जाएगा। फिर सडनली आपको याद आया कि मुझे डिलीट ही करना है, तो रीडू कर देंगे। तो ये दोनों अंडू और रीडू इस तरह से काम करते हैं। इसके बाद है हाइड अनहाइड। ये ऑप्शन स्क्रीन पर ब्लॉक हाइड और अनहाइड करता है। इरेज, इरेजर क्लियर करता है और टर्टल की स्क्रीन को बीच में लाता है। ये क्लियर, इसको क्लियर कर देता है। मान लो जो क्लीन काम करता है वही ये काम करता है। और बच्चों हम सीखेंगे आगे, टर्टल को बीच में रोक देता है। अगर टर्टल कुछ काम कर रहा होता है तो उसको बीच में ही स्टॉप करना है, तो स्टॉप बटन। ये हाइड कराने के लिए, हाइड और अनहाइड कुछ आपने बनाया है यहाँ पे, ये सपोज ये आपने यहाँ पे लगा रखे, इसको हाइड करना है, तो ये हाइड हो जाएगा। फिर से वापस लाना है, विजिबल रखना है, तो ये विजिबल हो जाएगा। तो बच्चों ये सारे ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए हैं, एक एक करके आपके बुक्स में भी हैं, आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा।